गुड मॉर्निंग ऑल। एक बार चेक कीजिएगा वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी। यस एवरीवन प्लीज चेक। गुड मॉर्निंग ऑल। All okay, all clear, okay. Have you all done homework? सब लोग होमवर्क कर लिए? कुछ लोग बोल रहे कि सर सिक्स नंबर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते आ गया, बाकी तो सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, ऐसा कुछ तो भी बोल रहे कुछ स्टूडेंट। नाइन्थ क्वेश्चन सॉल्व करते आ गया, सिक्स क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ तो भी बोल रहे थे, राइट? चलेगा, लेट्स सी। सिक्स क्वेश्चन नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं फ्रेंड्स, देख लेते हैं ना। सिक्स एंड नाइन्थ होमवर्क था, लेट्स डिस्कस दैट क्वेश्चन नंबर सिक्स। मैंने आपको कल एक पॉइंट हाईलाइट करके दिया था, आई गेस इफ यू रिमेंबर, कि आपका जो पूरा क्वेश्चन बनने वाला है ये प्रॉफिट के बेसिस पे बनने वाला है, 750, दैट इज 15% ऑफ सेल्स, इस पे आपका बनने वाला है, राइट? सो कुछ स्टूडेंट का एक ही पॉइंट था कि आंसर मैच नहीं हो रहा था, आंसर मैच नहीं हो रहा था, ऐसे कुछ तो भी था कि सर 250 का डिफरेंस आया, इज इट करेक्ट फ्रेंड्स? 250 का डिफरेंस आ रहा था, ऐसे कुछ तो भी था, बराबर? एक बार मुझे कंफर्म कीजिएगा, जल्दी से फ्रेंड्स। कुछ लोगों का 250 का डिफरेंस आया था, यस बराबर है ना? यस सर, 250 का डिफरेंस आया था, यस सर, 250 का डिफरेंस आया था, ओके। आना ही चाहिए था डिफरेंस, चलेगा, लेट्स सी। इसका आंसर चेक करते हैं फ्रेंड्स, और जो आपका 250 का डिफरेंस था वो हम लोग चेक करते हैं कि वो डिफरेंस क्यों था। लेट्स सी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सिक्स फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर सिक्स में वो प्रॉफिट दिया था 15% ऑफ सेल्स, तो आपने एक वर्किंग नोट सबसे पहले दिया रहेगा कि प्रॉफिट इज 15% ऑफ सेल्स, देयरफॉर प्रॉफिट इज 15% ऑफ सेल इज इक्वल टू 750, देयरफॉर सेल्स इज इक्वल टू 5000, देयरफॉर सेल्स इज इक्वल टू 5000। तो ये तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने आंसर दे दिया रहेगा, क्योंकि कल ही हमने ये डिस्कस कर लिया था कि 750 के बेसिस पे हाउ टू कैलकुलेट दैट सेल्स, तो ये आपका 5000 आ गया था, राइट? चलेगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट था आपका कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना। अब मटेरियल कितना दिया था, तो मटेरियल दिया था 12.5% ऑफ सेल्स, तो 5000 का 12.5% आपने ले लिया 625। लेबर कॉस्ट कितना दिया था, 17.5% ऑफ सेल्स, तो 5000 का 17.5% आपने ले लिया 875। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस, ये आ गया आपका प्राइम कॉस्ट, एंड आपका प्राइम कॉस्ट आ रहा है 1500, बराबर है? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था आपका 1500 के बाद प्रोडक्शन ओवरहेड कितना दिया था आपको, प्रोडक्शन ओवरहेड वन थर्ड कुछ इंफॉर्मेशन दिया था, वन थर्ड ऑफ द प्राइम कॉस्ट, ठीक है ना, वन थर्ड ऑफ द प्राइम कॉस्ट। सो प्राइम कॉस्ट था आपका 1500, उसका वन थर्ड यानी 500 आपका आ गया, तो आपका आ गया फैक्ट्री कॉस्ट। देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस नहीं दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस नहीं दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स आपको ये डायरेक्टली नेट फैक्ट्री कॉस्ट, नेट वर्क्स कॉस्ट आप वर्ड यूज कर ही सकते हैं, ठीक है? तो आपका नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ रहा है 2000 रुपीज। नेक्स्ट, इसके बाद आपको क्या इंफॉर्मेशन दिया था, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। देखिएगा वैसे भी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया नहीं है, तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज 100% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, 100% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है? तो फैक्ट्री कॉस्ट पे 100% जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ले लिया, वो आ गया मेरा 2000, फैक्ट्री कॉस्ट था मेरा 2000, उसका 100% आंसर आ गया 2000। फिर आगे देखिएगा फ्रेंड्स, मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं अभी, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट।
सेल्स की फिगर आ गई अपनी 5,000, प्रॉफिट का जो फिगर आया था वो दिया था क्वेश्चन में 750, तो 5,000 आपका सेल्स था, 750 आपका प्रॉफिट है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आना चाहिए आपका 4250, ठीक है। अब ये जो 4250 है इसमें से फैक्ट्री कॉस्ट आ गया आपका 2,000, एडमिनिस्ट्रेशन का कॉस्ट आ गया 2,000, इन दोनों का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 4,000, 4,000 ये दोनों का टोटल है, लेकिन इन टोटल आना चाहिए था 4250, तो 250 का जो आपका मिसिंग था वो आपका हिडन एडजस्टमेंट था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वो था आपका बैलेंसिंग फिगर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड था, ये था आपका बैलेंसिंग फिगर। तो ये पूरे क्वेश्चन में एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बैलेंसिंग फिगर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स लेना है। कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे थे कि सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ले लेके क्या मुझे, क्योंकि व्हाट्सएप पे काफी सारे स्टूडेंट ने रिप्लाई किया कल कि सर जी क्या हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ले ले गया। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड होता है या लेस होता है? लेस होता है ना, तो 250 व्हाटएवर लेस करेंगे तो और आपका डिफरेंस बढ़ेगा, और जब तक आपको ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया नहीं रहता है वो आप कंसिडर नहीं कर सकते आपके खुद से इससे। सो फ्रेंड्स ये जो था, आप मैक्सिमम स्टूडेंट ये 4,000 तक पहुंच गए थे, लेकिन फिर 250 का उनको मिसिंग का कुछ समझा नहीं क्या करना है, तो वो जो 250 था वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड था, बैलेंसिंग फिगर। जी हाँ, बैलेंसिंग फिगर आपका 250, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये हिडन एडजस्टमेंट था, मार्क दिस एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट। चलेगा, जिन लोगों ने किया है, जिन लोगों को नहीं आया जल्दी से फोटो ले लीजिएगा। चलेगा, जल्दी से। अब ये छोड़ के आप कुछ नहीं ले सकते, एक स्पेसिफिक आप कुछ नाम नहीं दे सकते। किस स्टूडेंट ने क्वेरी पूछा है कि सर क्या इसको क्वालिटी कॉस्ट ले, ठीक है, क्या इसको क्वालिटी कॉस्ट, एमडी कॉस्ट क्या रहता है पता नहीं मुझे, या आरएमडी लिखा है, आई डोंट नो क्यों नहीं है। स्पेसिफिक कॉस्ट थोड़ी रहता है, एक जनरल हेड है। कुछ लोग बोल रहे सर इसको आप ले लो, क्या दिया है, सेकेंडरी पैकिंग ले लो, सर इसको आप क्वालिटी कॉस्ट ले लो। सर क्वेश्चन में नोट है कि ओवरहेड एट्रीब्यूट में इग्नोर, क्या पता क्या लिख रही है, आरएनडी क्यों नहीं लिया। अरे भाई वो स्पेसिफिक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एक आपका जनरल हेड है, ठीक है, तो वो जनरल हेड हमने एज्यूम किया हुआ है। चलेगा, यस फ्रेंड्स, कुछ स्पेसिफिक नहीं लिख सकते हैं आपकी, आरएनडी ही हो सकता है, क्वालिटी, एक जनरल हेड आपको लिखना पड़ेगा, जनरल हेड है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। हाउ वी कैन नो दिस इज अ हिडन एडजस्टमेंट? अरे बॉस टैली नहीं हो रहा है तो आपको कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा ना, हिडन एडजस्टमेंट है या नहीं है वो कैसे चेक करें। अरे टैली तो होने दो, टैली नहीं हो रहा है तो आप कैसे वर्कआउट करेंगे। ये 4,000 टोटल आ रहा है और रिवर्स वर्किंग के 4,250 आ रहा है, तो 250 का डिफरेंस है, तो किधर तो भी वो एडजस्ट करना पड़ेगा, सो सिंपल। चलेगा, एंड जो मुझे बोल रहे हैं कि आरएनडी लो, ठीक है, आरएनडी लो या फिर क्वालिटी कंट्रोल, अरे भाई लास्ट लाइन पढ़ो ना, आप पढ़ते क्यों नहीं हो पूरा क्वेश्चन। यू मे इग्नोर डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है वहां पे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नहीं पढ़ते तुम लोग, क्या दिया है वहां पे, अरे यू मे इग्नोर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एट्रिब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन, ये आपको इग्नोर करने के लिए बोला है, और आप बोल रहे हो सर क्वालिटी कंट्रोल लो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लो, या फिर क्या बोला था और कुछ, प्राइमरी पैकिंग लो। यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर क्वेश्चन में बोला है नहीं लेना है, फिर आप कैसे ले सकते हो। टीटी इंडस्ट्री बोल रहे सर लेकिन 750 पर यूनिट है ना प्रॉफिट, तो भाई यहाँ पे क्या दिख रहा है टीटी इंडस्ट्री, हम सब लोगों को यहाँ पे 750 दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है 750 है ना, तो आप क्या डाउट पूछ रहा है, डोंट नो
सर लेकिन 750 पर यूनिट है ना प्रॉफिट, तो है ना भाई, मैंने किधर गलत लिखा है, 750 इज देयर भाई। चलिए आई होप ये पॉइंट क्लियर है। आरएनडी नहीं लिया, क्वालिटी कंट्रोल आपने नहीं लिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन में दे हैव गिवन कि भाई ये बाकी सारे कॉस्ट आपको कंसिडर नहीं करने हैं। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। आई होप ये सारे जो क्वेरीज है, सारे जो पॉइंट्स है वो क्लियर है। जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है प्लीज इसका फोटो ले लीजिएगा। और हिडन एडजस्टमेंट था, बैलेंसिंग फिगर था आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। चलेगा, और एक क्वेश्चन जो मैक्सिमम स्टूडेंट ने सॉल्व कर लिया था, आई गेस क्वेश्चन नंबर 9। इज देयर एनी अदर डाउट रिलेटिंग टू क्वेश्चन नंबर 6? इज देयर एनी अदर डाउट रिलेटिंग टू क्वेश्चन नंबर 6? और कितने लोगों ने ये जुगाड़ कर लिया था 250 का, लेट मी नो दैट। कितने लोगों ने ये 250 का एनालिसिस कर लिया था कि हाँ ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है? एनीवन, आप में से कोई है जिसने ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आइडेंटिफाई कर लिया था 250? एनी वन ऑफ यू, आप में से कोई है जिन्होंने ये 750 या सॉरी 250 एनालाइज कर लिया था? इज देयर एनी वन फ्रेंड्स? सस्पेंस में डाल दिया बॉस, कॉस्टिंग में सस्पेंस नहीं रहेगा। टीटी इंडस्ट्रीज, देयर विल नॉट बी एनी सस्पेंस इन कॉस्टिंग। ठीक है, तो इस सस्पेंस मत लिख के आना, 0 मार्क्स मिलेगा। चलेगा, आगे बढ़ रहा है अभी। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया है। चलेगा, नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 आपका एक और होमवर्क दिया था, लेट्स डिस्कस दैट क्वेश्चन नंबर 9। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं था। ठीक है, आपको जो आंसर है एक बार चेक कीजिएगा, काफी लोग मुझे आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दिया है, मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दिया है, और मटेरियल का आपको परचेसेस दिया है। सो 480,000 परचेसेस है, ओपनिंग स्टॉक 60,000 है, 50,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो बन गया बॉस आपका सीओ, ये अपना मटेरियल परचेस और कंजम्पशन आ गया। 490,000 का कंजम्पशन था। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपका 240,000, तो वी कंसिडर दैट 240,000। प्राइम कॉस्ट आ गया आपका 730,000। इसके बाद था आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया था, 1 लाख रुपीज का फैक्ट्री ओवरहेड है। यस वी हैव कंसीडर 1 लाख फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये आ गया आपका 830,000 का ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP आपको दिया हुआ था। सो 12,000 एंड 15,000 का एडजस्टमेंट करके आपको आ गया ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट 827,000 रुपीज का। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट था आपका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, लेट्स चेक दैट। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड स्पेसिफिकली बोला था रिलेटेड टू द प्रोडक्शन है, तो वो आपका सीओ यानी प्रोडक्शन कॉस्ट के पहले आएगा। सो ये आपने कंसीडर कर लिया 50,000 रुपीज का। ओके, तो ये आ गया आपका प्रोडक्शन कॉस्ट 877,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स स्पेसिफिकली दिया था, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स स्पेसिफिकली दिया था। ये आ गया आपका सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 857,000। इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 25,000 ऐड कर दिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया 882,000, सेल्स आपका 10 लाख और प्रॉफिट आया आपका 1,18,000। ओके, ऐसा कोई है जो ये आंसर गलत लेके आ गया? कोई है जिसने ये आंसर गलत लाया? इसने बहुत बड़ा क्राइम किया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आंसर आना ही चाहिए था, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एंड यू वोंट बिलीव ये एग्जाम में आया था ओल्ड सिलेबस में 10 मार्क्स के लिए। तो आराम से 100% स्टूडेंट ने ये ऑप्ट किया ही रहेगा। अगेस सर आपने इतना हार्ड क्वेश्चन करवाया है तो बेचारे बच्चे लोग, बेचारा बच्चा लग रहा है। अच्छा, ये बच्चा क्वेश्चन था राइट, छोटा सा क्वेश्चन था राइट फ्रेंड्स। ओके, अब आप मुझे जल्दी से ये बता दीजिएगा, आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट ने आंसर लेके आए। क्वेश्चन नंबर 1 टू 9 में पेंडिंग क्वेश्चन कौन सा है?
प्लीज बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 में पेंडिंग क्वेश्चन कौन सा था? टेल मी क्विकली, फटाफट से, क्योंकि हमें अभी आगे बढ़ना है। वेदर ऑल क्वेश्चन आर कंप्लीटेड फ्रॉम 1 to 9 और आई गेस 8th क्वेश्चन इज पेंडिंग फ्रेंड्स। यस, क्वेश्चन नंबर 8 इज पेंडिंग। थैंक यू अंशिका जी, थैंक यू राघव जी। क्वेश्चन नंबर 8, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यस यस आई गॉट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, थैंक यू फारूक, हर्षा, मुक्ता, ताहा, रजनी जी, बिंदु जी, नैनेश्वर जी, यस यस शिवम जी, समझ गया है। क्वेश्चन नंबर 8, थैंक यू ऑल। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, आज हम लोग बच गए फ्रेंड्स। एक टेक्निकल बहुत बड़ा इशू आया था, ठीक है, जो हम लोग सुबह 6 बजे से सॉल्व कर रहे थे और फॉर्चुनेटली आपके क्लास के पहले वो सॉल्व हो गया, इसलिए एक 15 मिनट्स का हमने डिले किया। अगेन मैंने टेक्निकल टीम को सुबह 6 बजे उठा के वो प्रॉब्लम सॉल्व करवा के लिया। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2008। रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, अगेज रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, थोड़ा सा अंडरलाइन कीजिएगा, मशीन अवर्स वर्क्ड, एंड अंडरलाइन कीजिएगा मशीन अवर रेट फॉर ओवरहेड पर आवर। एक नया पॉइंट हम लोग सीखेंगे ये क्वेश्चन में। मशीन अवर्स कितना दिया है, तो 10,000 मशीन अवर्स लगा है, और ये जो ओवरहेड का जो रेट है वो मशीन अवर्स पे डिपेंडेंट है। अब तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया, जनरली क्या दिया जाता था, ओवरहेड 100% ऑफ मटेरियल, ओवरहेड 40% ऑफ लेबर, ओवरहेड 30% ऑफ द प्राइम कॉस्ट, या फिर ओवरहेड का डायरेक्टली फिगर दिया जाता था। अब ये क्वेश्चन में फ्रेंड्स, अब आपको ये दो पॉइंट एनालाइज करना है, ये दो लाइन पढ़ना है। मशीन अवर्स आपने 10,000 काम किया है और मशीन अवर रेट फॉर ओवरहेड इज 8 रुपीज, यानी एक अवर के लिए ओवरहेड आपको 8 रुपए लगता है। चलेगा, आप में से अगर कोई चैम स्टूडेंट रहेगा तो मुझे आंसर देगा फैक्ट्री ओवरहेड्स का टोटल फिगर कितना है। अगर ये समझ गया तो ये आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, आराम से आप आगे का वर्किंग कर सकते हैं। जल्दी से, जल्दी से, मुझे आपसे चाहिए फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना, फटाक से आंसर दीजिएगा फैक्ट्री ओवरहेड कितना। अगर ये आपको आ गया ना बॉस, तो हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं, आराम से ये वर्किंग कर सकते हैं। आगे ओके ओके, कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे 80,000, प्रोडक्शन ओवरहेड इज इक्वल टू 80,000, फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू 80,000। चैंप लोग, ताहा, युक्ता, बिंदु, ज्ञानेश्वर, प्रणीता जी, हर्षा, दुर्गा जी, दीपिका जी, भावे जी, सब लोग एकदम बराबर आंसर दे रहे 80,000। सही आंसर दिए आप लोग, एग्जैक्ट आंसर दिए आप लोग, और आप लोगों ने आंसर दिया 80,000। अब ये 80,000 कैसे आया, देखिएगा फ्रेंड्स, ओवरहेड का है ना, हम लोग टॉपिक जब कंसीडर करेंगे तब कुछ रेट दिया जाता है। ओवरहेड का रेट एक रहता है मशीन अवर रेट, एक रहता है आपका लेबर अवर रेट, एक रहता है आपका यूनिट रेट, ठीक है, एक रहता है आपका परसेंटेज ऑफ मटेरियल जो हमने अभी सीखा, एक था आपका परसेंटेज ऑफ लेबर, ये भी हमने सीखा, ये था एक था आपका परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, ये भी हमने सीखा। जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूं, आगे के जो लेक्चर है उसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे। मशीन अवर रेट का फॉर्मूला था फ्रेंड्स, बजेटेड ओवरहेड्स अपॉन बजेटेड मशीन अवर्स। लेबर अवर रेट का फॉर्मूला था बजेटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजेटेड लेबर अवर्स। यूनिट रेट का फॉर्मूला था बजेटेड ओवरहेड्स अपॉन बजेटेड आउटपुट। परसेंटेज ऑफ मटेरियल का फॉर्मूला था बजेटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय मटेरियल कॉस्ट इनटू 100। परसेंटेज ऑफ लेबर था बजेटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय लेबर कॉस्ट इनटू 100। परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला था बजेटेड ओवरहेड्स अपॉन बजेटेड प्राइम कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो फ्रेंड्स, ये 6 अलग अलग मेथड है ओवरहेड कंसिडर करने का, जिसमें से फ्रेंड्स हमने 3 मेथड, यस हमने 3 या 4 मेथड पहले देख लिया था। परसेंटेज ऑफ मटेरियल, ये हमें पता था कि 40% ऑफ मटेरियल लेना है, 30% ऑफ मटेरियल लेना है, 50% ऑफ मटेरियल लेना है। लेबर का भी हमने देख लिया था फ्रेंड्स पिछले क्वेश्चन में, ओवरहेड्स आर 40% ऑफ लेबर कॉस्ट, ये भी कंसीडर।
प्राइम कॉस्ट का भी पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था कि ओवरहेड्स आर 30% ऑफ प्राइम कॉस्ट, ओवरहेड आर 50% ऑफ प्राइम कॉस्ट, ये हमने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया था। एक पर यूनिट का क्वेश्चन सॉल्व किया था, वहां पे हमें पता था यूनिट रेट कि बजेटेड ओवरहेड इज 13 रुपए पर यूनिट, 12 रुपए पर यूनिट, 10 रुपए पर यूनिट। तो जितना आपने प्रोडक्शन किया अकॉर्डिंगली वर्कआउट किया। अब दो नए मेथड है, मशीन आवर रेट एंड लेबर आवर रेट, ठीक है। तो एक मशीन आवर्स पे डिपेंडेंट है और एक लेबर आवर्स पे डिपेंडेंट है। ये क्वेश्चन में मशीन आवर्स पे डिपेंडेंट था। एक घंटा अगर मशीन चलेगा, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, एक घंटा अगर मशीन चलेगा तो आपको 8 रुपए का खर्चा आता है। ऐसे आपने कितने आवर्स मशीन चलाया, 10,000 आवर्स का मशीन चलाया, तो 10,000 × 8, आप सब लोग परफेक्ट हो, 80,000 आर योर मशीन आवर्स। जी हाँ सर जी, 80,000 आर योर मशीन, सॉरी 80,000 आर योर फैक्ट्री ओवरहेड, नॉट मशीन आवर्स। मशीन आवर्स तो 10,000 था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हो जाता है फ्रेंड्स, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी चीजें हो जाती है। तो फैक्ट्री ओवरहेड है आपका 80,000। ये अगर आपको आ गया ना, आगे आप वर्कआउट कर लेंगे। आगे बढ़ रहे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल 35,000, जनरल ना वो मालिक जनरल है। सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट दिया है 5, ओके, यूनिट्स प्रोड्यूस 4,000 है, यूनिट सोल्ड 3,600 है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 125। प्रोडक्शन 4,000 किया, सेल किया 3,600, तो ऑब्वियसली आपका क्लोजिंग स्टॉक आएगा 400 यूनिट्स का। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कॉस्ट शीट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव शोइंग कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रॉफिट फॉर द मंथ। यू हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट, एक पर यूनिट का कॉलम चाहिए और एक पूरे साल का या फिर पूरे मंथ का जो प्रॉफिट है ये आपको फाइंड करना है। आपका टाइम स्टार्ट हो गया, जी हां सर जी, आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, जल्दी से आप सॉल्व करना शुरुआत कर दीजिएगा। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, आप शुरुआत कीजिएगा। टीटी इंडस्ट्री बोल रहे हैं सेलिंग ओवरहेड आएगा कितना, 20,000 बोल रहे, 2,00,000 बोल रहे, 20,000 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आएगा, ठीक है टीटी इंडस्ट्री। ये मिस्टेक कितनी बार करेंगे आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता ये मिस्टेक आप कितनी बार करेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है, अरे कितनी बार मैंने ये पॉइंट समझाया, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, अरे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड प्रोडक्शन पे डिपेंड है या सेल्स क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है। सेल्स क्वांटिटी 3,600 × 5 आएगा वो। OMG, ओ माई गॉड, क्या आंसर दे रहे टीटी इंडस्ट्रीज, कितनी बार ये एक्सप्लेन किया है मैंने। प्रोडक्शन का कॉस्ट प्रोडक्शन के क्वांटिटी पे रहता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट सेल्स क्वांटिटी पे रहता है। जी 18,000 आएगा, जी फारूक जी एंड दानेश्वर जी, 18,000 इज करेक्ट आंसर। चलो सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करना है आपको, जल्दी से सॉल्व करो। फ्रेंड्स फटाफट सॉल्व करो, मैं आपका आंसर की राह देख रहा हूं, जल्दी से। जिन्होंने वो नोट्स डाउनलोड नहीं किया है जल्दी से डाउनलोड कीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाक से। OMG, कुछ स्टूडेंट का आंसर आ गया भाई, OMG, कुछ स्टूडेंट आंसर दे भी दे रहे हैं, यानी इतना फास्ट। प्रॉफिट आ रहा है 82,000 रुपीज का प्रॉफिट है, ओके। एंड प्लीज टेल मी कॉस्ट पर यूनिट, हाउ मच इज योर कॉस्ट पर यूनिट। यस फ्रेंड्स, कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है, कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे 22.7, ठीक है एग्जैक्ट 22.7 आ रहा है सर, प्रॉफिट पर यूनिट है 22.7, कॉस्ट पर यूनिट पूछे आपसे। क्वेश्चन क्या है देखिएगा ना, कॉस्ट पर यूनिट भी चाहिए
एंड प्रॉफिट फॉर द मंथ चाहिए। कुछ लोग आंसर दे रहे हैं प्रॉफिट फॉर द मंथ इज 82,000, आई वॉन्ट कॉस्ट पर यूनिट। सर कॉस्ट पर यूनिट चाहिए 22.78, ये आपका कॉस्ट पर यूनिट नहीं हो सकता, ये आपका प्रॉफिट पर यूनिट आप बता रहे हो। अरे पढ़ो क्वेश्चन, यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा और आप आंसर क्या दे रहे हो। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा आप कैसे हो, मैंने आपको क्वेश्चन पूछा आप कैसे हो और आप आंसर दे रहे हम लोग खाना खा के आ गए। अरे क्वेश्चन क्या है आंसर क्या है। अच्छा कॉस्ट पर यूनिट इज 87.5, ठीक है ये प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया, ये आई गेस प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया। कॉस्ट पर यूनिट जो आप बोल रहे हो आई गेस प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया। यहां पे प्रोडक्शन यूनिट बोल, यहां पे प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट बोला है क्या। मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप सब लोग कैसे हो और आप आंसर दे रहे हो सर हम लोग खाना खा के आ गए। क्वेश्चन क्या है आंसर क्या है। आगेस चलेगा, बाय द वे आप एकदम बराबर आंसर दे रहे हो। जो आपका प्रॉफिट आया है आई गेस मैक्सिमम स्टूडेंट ने प्रॉफिट दिया 82,000 का जो प्रॉफिट है वो परफेक्ट है, एकदम बराबर आपने आंसर दे दिया है प्रॉफिट का। चलिए लेट्स वर्कआउट फ्रेंड्स, देखते हैं आपका जो प्रॉफिट पर यूनिट है या फिर आपका जो कॉस्ट है पर यूनिट टोटल प्रॉफिट ये मैच होता है क्या। एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट नाउ, लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा फेयर नोटबुक में। पर्टिकुलर्स एक आएगा आपका टोटल और एक आएगा आपका पर यूनिट, फटाक से लिखना पर्टिकुलर्स टोटल पर यूनिट। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट प्लीज हेडिंग दीजिएगा, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट सब लोग हेडिंग दीजिएगा। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कंसीडर किया, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज 1,80,000। कोई मुझे पर यूनिट बताएगा 1,80,000 पर यूनिट बताएगा। प्रोडक्शन का कॉस्ट लेते वक्त प्रोडक्शन का क्वांटिटी आपको कंसीडर करना है, तो आई गेस 1,80,000 डिवाइडेड बाय 4,000, आपका प्रोडक्शन 4,000 था, सेल 3,600 था, क्लोजिंग स्टॉक आएगा आपका 400। प्रोडक्शन का कॉस्ट लेते वक्त मटेरियल लेबर फैक्ट्री ओवरहेड एक्सेट्रा यू विल हैव टू कंसीडर द प्रोडक्शन क्वांटिटी। जी हाँ आंसर दीजिएगा। ओके 45 रुपीज पर यूनिट, ठीक है मुझे पर यूनिट बताते चलिएगा। इसके बाद हमने कंसिडर किया डायरेक्ट लेबर, जी हाँ डायरेक्ट लेबर था आपका 90,000 डायरेक्ट वेजेस, 90,000 लेबर वर्ड यूज करो वेजेस यूज करो वन एंड द सेम है कोई इशू नहीं है। 90,000 पर यूनिट कितना लो बॉस, 90,000 डिवाइडेड बाय 4,000 आई गेस 22.5 आएगा, आधा है ना इसके, सो 22.5। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नॉट गिवन इन क्वेश्चन, तो ये डायरेक्टली बन गया आपका प्राइम कॉस्ट। गाइज हे गाइज जल्दी से आंसर दीजिएगा, आपका जो प्राइम कॉस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, इज इट 2,70,000 का प्राइम कॉस्ट है। गाइस प्राइम कॉस्ट इज 2,70,000 का प्राइम कॉस्ट बन रहा है, पर यूनिट का प्राइम कॉस्ट कितना आएगा 67.5। ओके कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे 67.5, आई एम रिलाइंग ऑन देम 67.5, ये आ गया आपका प्राइम कॉस्ट, ठीक है ना। प्राइम कॉस्ट में हम लोग एड करेंगे अभी फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्राइम कॉस्ट में ऐड कर रहे फैक्ट्री ओवरहेड्स। हाउ मच इज योर फैक्ट्री ओवरहेड्स, 10,000 शो द वर्किंग फ्रेंड्स, पेपर चेकर को इजी होना चाहिए। 10,000 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 8 रुपीज पर आवर, सो योर आंसर कम्स टू 80,000, पर यूनिट शुड बी 20 रुपीज। ओके 80,020 बराबर से आंसर दिया मुझे, फास्ट आंसर दिया मुक्ता जी इन्होंने, अंशिका जी इन्होंने, वेरी गुड। चलेगा फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद ये क्या आएगा,
फैक्ट्री ओवरहेड के बाद आगे क्या लिखूं बताइएगा। अरे जल्दी बताइएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स के आगे मैं क्या लिखूं, फटाफट से आंसर दीजिएगा। आपसे पूछ रहा हूं फैक्ट्री ओवरहेड के बाद लिखूं क्या, यहाँ पे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट लिखूं, नेट फैक्ट्री कॉस्ट लिखूं, प्रोडक्शन कॉस्ट लिखूं, सीओजीएस लिखूं, कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखूं, थोड़ा सा सोच के आप आंसर दीजिएगा। माय गॉड, आप बहुत चैंप लोग हो, आपको सब आंसर एकदम परफेक्ट आ रहा है। फ्रेंड्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या बात है फ्रेंड्स, रियली इंप्रेस्ड बाय योर आंसर, रियली इंप्रेस्ड बाय योर आंसर, चैंप लोग हो आप। एक भी स्टूडेंट ने मुझे गलत आंसर नहीं दिया है, आप डायरेक्टली बोल रहे प्रोडक्शन कॉस्ट है, शाबाश फ्रेंड्स, आई एम रियली इंप्रेस्ड। अच्छा तो आप बोलेंगे सर नेट फैक्ट्री कॉस्ट क्यों नहीं लिया, ठीक है नेट फैक्ट्री कॉस्ट क्यों नहीं लिया, डायरेक्टली आप प्रोडक्शन कॉस्ट पे कैसे चले गए, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस नहीं दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस नहीं दिया हुआ है। ओके तो ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट लेने का सवाल ही नहीं आता है। इसके बाद अगला एक और पॉइंट दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है वो प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल है, तो वो हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट में नहीं कंसिडर करते, तो डायरेक्टली आप नीचे वाले लाइन पे आ गए, दैट इज प्रोडक्शन कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 350,000 आपका आंसर आया, 350,000 डिवाइडेड बाय अगर 4,000 करते हैं कितना आंसर आ रहा है, 87.5, परफेक्ट है 87.5, ये आ गया आपका प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो है ही नहीं आएगा इस क्वेश्चन में, सो डायरेक्टली आपको लेस करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। एंड फ्रेंड्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्रोडक्शन की कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन की क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी, या फिर आप डायरेक्टली 87.5 को 400 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हम लोग पर यूनिट लिया है। जी आंसर कितना आया, आंसर कितना आ रहा है, ओके ऑब्वियसली 10% है ना, तो 35,000 आंसर आएगा, परफेक्ट है 35,000। एंड बार बार लगातार हर बार, ठीक है मैं एक इंफॉर्मेशन आपको देते रहता हूं कि सर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक वर्किंग प्रोग्रेस रहने दो, या फिर आपका फिनिश गुड्स का रहने दो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, अगर आप पर यूनिट का कॉलम बना रहे हो तो वहां पे आपको डैश या वहां पे आपको पर यूनिट कंसिडर नहीं करना है, अदरवाइज आपका आंसर गलत होएगा। ओके ये आएगा आपका फ्रेंड्स क्या लिखो, सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जी हाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका बन रहा है 3,15,000 आई गेस, ये लेस किया था, सो 3,15,000 एंड ऑब्वियसली 87.5 पे ही हम लोग रहेंगे, 87.5। ठीक है अब आगे बढ़ रहे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, वी आर गोइंग टू ऐड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, वी आर गोइंग टू ऐड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आर 35,000 रुपीज। नहीं नहीं गलती नहीं चाहिए मुझे, नहीं नहीं मुझे गलती बिल्कुल नहीं चाहिए, ये 35,000 को डिवाइड किससे करूं, ये 35,000 को डिवाइड किससे करूं, 4,000 से करूं, इसको डिवाइड या इसको डिवाइड करना पड़ेगा 3,600 से, गलती नहीं चाहिए मुझे अभी, मुझे अभी गलती नहीं चाहिए। ये जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है या फिर वी आर गोइंग टू ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना था 5 रुपीज पर यूनिट था, ओके इज 5 रुपीज पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय, चलो जल्दी से, यस फ्रेंड्स बराबर आप आंसर दे रहे हो, 35,000 डिवाइडेड बाय 3,600, ओके एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय 3,600, एनीवन गॉट द आंसर, 35,000 डिवाइडेड बाय 3,600 आंसर कितना आया, 9 पॉइंट कितना बोल रहे हो आप, 7 छू 9.7 छू
दो डिजिट तक फ्रैक्शन ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 4 डिजिट लेना, एग्जाम में 2 डिजिट भी सफिशियंट है फ्रेंड्स। अगेंस्ट, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना आ गया, 18,000 आया फ्रेंड्स। वेरी गुड फ्रेंड्स, आंसर देते रहिएगा, 18,000 और पर यूनिट दे हैव गिवन 5। तो फ्रेंड्स दिस विल बी योर कॉस्ट ऑफ सेल्स। हाउ मच इज योर कॉस्ट ऑफ सेल्स, एनीवन गॉट द आंसर फॉर दिस कॉस्ट ऑफ सेल्स, फटाक से आंसर दीजिएगा। 368 ना, जी हाँ, 3,68,000 इज योर आंसर। एंड पर यूनिट भी बता दीजिएगा, 102.222 ऐसा कुछ तो भी है, अच्छा 102.222। चलिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स में वी आर गोइंग टू ऐड प्रॉफिट एंड फाइनली विल गेट द आंसर सेल्स। We'll have to check that selling price per unit is 125. So 125 per unit multiplied by 3600. Anyone got the answer? 125 to per unit tha. Total kitna tha sales? 125 multiplied by 3600. 4,50,000. Okay, so I've got the answer. 4,50,000 is the answer. Okay, so profit kitna ban gaya boss? 82,000 bataya tha aap logon ne. करेक्ट है आपका प्रॉफिट 82,000 एंड पर यूनिट का जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 20, प्रॉफिट पर यूनिट कितना है 22.788 समथिंग या 778, आप इसको राउंड अप कर सकते हो 22.78। जी आप राउंड अप कर सकते हो 22.78। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन में जब आप रिवीजन करेंगे तब सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड का आपको एडजस्टमेंट नया था और ये जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, ये एक एडजस्टमेंट डिवाइड करते वक्त ये ध्यान रखना है। तो बस ये दो पॉइंट पे आप हाईलाइट कर लीजिएगा सो दैट पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं जाएगा या फिर आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैक्सिमम ऑफ यू, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट ने मुझे पहले ही आंसर दे दिया था, 82,000 बॉस आपका आंसर है, 82,000 आपका आंसर है, तो आपको आंसर तो आ गया था। तो रिवाइज करते हुए वापस से क्वेश्चन सॉल्व मत करना है, बस कौन सा पॉइंट है, ये एक फैक्ट्री ओवरहेड का नया एडजस्टमेंट सीखा और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर यूनिट जब लेते हैं तब 3600 से डिवाइड किया, ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस, सब लोग यहां तक क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है आई गेस तोड़ मालिक, क्योंकि आप पहले आंसर दे देते हो, करेक्ट आंसर दे देते हो, 82,000 आपने एकदम करेक्ट आंसर दिया। चलिए, अगर कुछ डाउट रहेगा रिलेटिंग टू दिस क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, अदरवाइज विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग, जल्दी जल्दी आंसर देते रहिएगा, गुड मॉर्निंग, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तोड़ मालिक, झेपा एकदम, गया दिमाग के अंदर। चलिए, ओवरहेड्स तो नहीं जा रहा है आई गेस, क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क दे दिया था हमने। चलो 1 to 9 ऑल क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड। आगे अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। जी मालिक, एवरीवन प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 10। ओके, ये एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के लिए एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। देखते हैं कितना लोग ये करेक्ट आंसर लाते हैं और मुझे करेक्ट आंसर देते हैं। मैं अभी टाइम कम कर रहा हूं आपको सॉल्व करने के लिए, पहले पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2018। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2018। स्टॉक ऑन 1 मार्च 2018 रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स का स्टॉक, स्टॉक ऑन 31 मार्च रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स का स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस ऑन 1 मार्च एंड ऑन 31 मार्च। ठीक है, इसके बाद परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, सेल ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस दिया है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस स्पेसिफिकली दे हैव गिवन जनरल,
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 7,50,000 एंड तोड़ एडजस्टमेंट, खुंखार एडजस्टमेंट आया है सेल ऑफ स्क्रैप, एक खुंखार एडजस्टमेंट आया है सेल ऑफ स्क्रैप। अब मैं नहीं बताऊंगा फ्रेंड्स ये व्हाट अबाउट द सेल ऑफ स्क्रैप, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन कि ये आपको मटेरियल में कंसिडर करना है या प्रोडक्शन कॉस्ट में, वो जो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवर है रिलेटेड टू द प्रोडक्शन है, उसमें से आपको ये सेल ऑफ स्क्रैप लेस करना है एक्सेट्रा, ये आप लोग डिसाइड करेंगे। अगेस आगे क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं, बस इतना ही क्वेश्चन था। यू नीड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट पर यूनिट का इंफॉर्मेशन नहीं है, मंथली आपको टोटल फिगर चाहिए। मैं आपको बता दूं ये एग्जाम में आया था और आपके आरटीपी का क्वेश्चन है। जी हाँ आपने सही सुना, रिवीजन टेस्ट पेपर न्यू सिलेबस का ये क्वेश्चन है एंड वहां पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक उन्होंने किया था, वहां पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक उन्होंने किया था राइट। उन्होंने क्लोजिंग स्टॉक है ना ऊपर नीचे लिख दिया था, वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो अगर ये आरटीपी का आप आंसर देख रहे हो तो अपना आंसर और उनका आंसर मैच नहीं होगा, आरटीपी में प्रिंटिंग मिस्टेक था, उन्होंने क्लोजिंग स्टॉक ऊपर नीचे ले लिया है फिनिश गुड्स का और वर्किंग प्रोग्रेस का, तो वो उन्होंने गलत किया है। लेकिन हम चैंप लोग हैं ना बॉस, वी आर द चैंप, सो वी आर गोइंग टू सॉल्व इट इन करेक्ट मैनर। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब मुझे फाइनल आंसर चाहिए आपसे, आई एम गिविंग यू एंड फ्रेंड्स आई एम गिविंग यू ओनली 6 मिनट्स टू सॉल्व दिस, आई एम गिविंग यू ओनली 6 मिनट्स टू सॉल्व दिट, लेट सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व दिस। एंड आपको ये भी मैंने बता दिया ये पहले कभी तो भी एग्जाम में आया था, ये आरटीपी का क्वेश्चन है, न्यू सिलेबस का स्पेसिफिक रिविजन टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है, आई गेस मे 2018 या नवंबर 2018 दोनों में से कोई तो भी एक ये क्वेश्चन रहेगा। आई गेस लेट सी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर फ्रेंड्स।
आंसर आना स्टार्ट हो चुका है. आंसर आना स्टार्ट हो चुका है. मुझे फाइनल आंसर दीजिएगा भावेश जी, फाइनल आंसर दे दीजिएगा. और जो आपका प्रॉफिट का आंसर है वो आप मुझे दे दीजिएगा. सुनीता जी मुझे डायरेक्टली फाइनल आंसर. अच्छा आपने दे दिया, 31,70,000 का प्रॉफिट आ रहा है. ठीक है, 31,70,000 का प्रॉफिट है. विधि जी इन्होंने आंसर दे दिया, मुक्ता जी इन्होंने आंसर दे दिया है. चलिए आपके सामने है कुछ ही सेकंड बाकी है, कुछ ही मिनट बाकी है. रजनी जी इन्होंने आंसर दे दिया, 31,70,000. ज्ञानेश्वर जी एक बार आप आंसर चेक कीजिएगा, आपने टाइप करते वक्त शायद गलत टाइप किया क्या, एक बार चेक करूं. कुछ ही सेकंड्स बाकी है. ओके इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके. चलिएगा, आपका टाइम खत्म हो गया है. मैंने आपको 5 मिनट का टाइम दिया है और आई एम रियली अप्रिसिएट योर स्पीड. आई एम रियली आई विल रियली अप्रिसिएट यू बिकॉज 10 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस इन 5 to 6 मिनट. ठीक है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन को कितना टाइम लेना चाहिए, तो 16 to 17 मिनट आपने लेना चाहिए था. वही क्वेश्चन आप 6 मिनट में सॉल्व कर रहे हो. और ये भी नहीं कि कोई सिंपल क्वेश्चन है, रिवीजन टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है ये. सो आप ये नहीं बोल सकते सर ये बहुत सिंपल है इसलिए हम लोगों को सॉल्व करते आ रहा है. आरटीपी का क्वेश्चन है, न्यू सिलेबस, और जनरली आरटीपी चैलेंजिंग रहता है. आगे नाइस फ्रेंड्स. एंड मैं ये भी आपको बता दूं, जितने भी स्टूडेंट ने आंसर दिया 100% स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया. 31,70,000 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. आप ही कमेंट बॉक्स चेक कीजिएगा, 100% स्टूडेंट करेक्ट आंसर दे रहे हैं. 100% ऑलमोस्ट 100% स्टूडेंट करेक्ट आंसर दे रहे हैं. आगे चलिएगा, वेरी गुड फ्रेंड्स. आई होप आपको मजा आ रहा है प्रैक्टिकल में और आप खुद से कर पा रहे हो. यस आई कैन सी दैट. जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब लोग आंसर दे रहे हैं, रियली अप्रिसिएट. क्या बात है फ्रेंड्स. सो इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूं कि भाई कॉस्टिंग इज हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट. एंड यू एज यू आर अवेयर दैट कि 10 मार्क्स का एग्जाम का क्वेश्चन या फिर 10 मार्क्स का ये जो कॉस्ट शीट का टॉपिक है ये एग्जाम में आने ही वाला है और आप आराम से ये वर्कआउट कर पा रहे हो. एंड वी आर स्टार्टिंग डेज है फ्रेंड्स, अभी तो सिर्फ हमारा शुरुआत हुआ है और उसमें आप इतना पर्टिकुलरली एग्जैक्टली सॉल्व कर पा रहे हो. रियली प्राउड ऑफ यू.
तोड़ मालिक, चलेगा। सो यहाँ पे आपने पर यूनिट नहीं किया क्योंकि पूछा ही नहीं था पर यूनिट का इन्फॉर्मेशन। स्टार्ट करते फ्रेंड, मटेरियल फेयर में लिख लो, आपका आंसर बराबर है। चलो जल्दी से आप खुद से फेयर में लिख लो फ्रेंड्स, मटेरियल कंज्यूम्ड। फॉर्मेट सही से नहीं प्रिपेयर हो रहा है, तो आप फॉर्मेट सही से क्यों नहीं प्रिपेयर कर रहे हो? फॉर्मेट सही से प्रिपेयर करना है ना आपको, तो 5 मिनट की जगह पे 10 मिनट लगा। हमें हमें देखिएगा, आप ये चेक करो ना, हमें 3 घंटे है पेपर में, यानी 180 मिनट्स है, बरोबर ना? 180 मिनट्स में हमें 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है, यानी 1 मार्क के लिए 1.8 मिनट है, 1 मार्क के लिए 1.8 मिनट्स है, राइट? अगर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम लोगों ने ये कितने मिनट में सॉल्व करना चाहिए? 18 मिनट्स में सॉल्व करना चाहिए, 18 तो मैक्सिमम है, ठीक है? इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, 18 इज अ मैक्सिमम, ठीक है? तो अब एक काम कीजिएगा, एग्जाम क्वेश्चन आएगा अगला 12 या 13 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन है, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं सीधा टाइमर स्टार्ट कर दूंगा, लेट सी आप कितने मिनट के अंदर वो सॉल्व कर पाते हो, फिर आपको खुद को आइडिया आएगा कि आप कितने मिनट में सॉल्व कर पा रहे हो, पेपर कंप्लीट होएगा या नहीं होएगा। चलेगा, ओके सर, फटाक से। मटेरियल कंज्यूम में सबसे पहले तो मैंने लिखा ओपनिंग स्टॉक, मुझे आंसर देते रहेगा अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो। इसमें मैंने ऐड कर दिया परचेसेस, लेस कर दूंगा क्लोजिंग स्टॉक, लेस कर दूंगा क्लोजिंग स्टॉक। ओके सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना था? सो 6,06,000। आपने परचेसेस कितना किया है? परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल 28,57,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 7,50,000। जी हाँ, मटेरियल कंजम्पशन कितना हुआ? नेट मटेरियल कंजम्पशन कितना हो रहा है? एनीवन गॉट द आंसर? फटाफट से आंसर देते रहिएगा। जल्दी से, 27,13,000। ओके 27,13,000। नेक्स्ट पॉइंट था आपका डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस से 37,50,000, ये बन गया आपका प्राइम कॉस्ट। फटाक से बताइएगा प्राइम कॉस्ट कितना आया? चैंप लोग जल्दी से आंसर दीजिएगा, प्राइम कॉस्ट कितना आ रहा है? चैंप लोग जल्दी से आंसर दीजिएगा, प्राइम कॉस्ट कितना आ रहा है? 64,63। ओके 64,63,000, थैंक यू फ्रेंड्स। इसके बाद प्राइम कॉस्ट के बाद आगे हम लोग ले रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। जी हाँ, फैक्ट्री ओवरहेड्स का जो है, प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, जो वर्ड उन्होंने यूज किया है वो आप ले सकते हैं, 21,25,000, 21,25,000, ठीक है। ये आएगा मेरा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, या फिर इसको ग्रॉस वर्क कॉस्ट भी हम लोग बोल सकते हैं। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितना आया? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितना आया? एनीवन गॉट द आंसर? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, जी हाँ, सेल ऑफ स्क्रैप आपने ऊपर ले लिया, मैं आपको 0 मार्क्स दूंगा फिर तो। भले आपने आंसर करेक्ट लाया है, लेकिन मैं आपको 0 मार्क्स दूंगा सेल ऑफ स्क्रैप अगर आपने ऊपर लिखा है तो। फ्रेंड्स वहां पे सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल बोला है क्या? कितना स्पेसिफिकली मैंने आपको बोला था, फिर भी आप गलती कैसे करते हो? अरे वहां पे मटेरियल वर्ड यूज किया है क्या? किधर मटेरियल वर्ड यूज किया बताइए, थोड़ा मुझे बताइए मटेरियल कहां पे है। मैंने स्पेसिफिकली अगर बोला है तो अगर मटेरियल का स्क्रैप हमें ऊपर कंसीडर करना, इधर मटेरियल वर्ड यूज ही नहीं किया है,
तो ये मटेरियल का स्क्रैप नहीं है, प्रोडक्शन करते वक्त आपका स्क्रैप हुआ है, तो ऐसी गलती आप कैसे कर पा रहे हो सर? अगर मैं स्पेसिफिकली आपको बोल रहा हूं, अगर मटेरियल का स्क्रैप है, कितना मैंने स्पेसिफिकली बोला था, चिल्ला चिल्ला के बोला था, अगर मटेरियल का स्क्रैप है, मटेरियल का, तो ऊपर जाएगा। कहां पे बोला ये मटेरियल का स्क्रैप है रे? क्या कर रहे हो? जीरो मार्क्स दूंगा मैं भले ही, यानी बाकी पेपर चेकर आपको 6-7-8 मार्क्स देंगे, लेकिन मेरे जैसा आपको जीरो मार्क्स देगा। जी हाँ, 85 लाख कितना आंसर आया? 85 लाख 78,000, 85 लाख 88,000, ओके, 85 लाख 88,000 चलेगा। इसके बाद ऐड करूंगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस ऐड कर दिया 12,56,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस है 14,22,000। नेट फैक्ट्री कॉस्ट बताइएगा कितना है? नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितना है बताइएगा? 84,22,000, ओके, 84,22,000 इज योर नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद नेट फैक्ट्री कॉस्ट में क्या करूंगा मैं? लेस करूंगा सेल ऑफ स्क्रैप। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्या दिया है? जनरल दिया है, यहां पे कंसीडर नहीं होएगा, सिर्फ सेल ऑफ स्क्रैप मैंने यहां से लेस करना है। सेल ऑफ स्क्रैप इज 26,000। जी हाँ, लेस सेल ऑफ स्क्रैप मैंने लेस कर दिया, तो ये आ गया मेरा प्रोडक्शन की कॉस्ट। बॉस, प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना आ रहा है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 83,96। आया आपका प्रोडक्शन का कॉस्ट। अगेज प्रोडक्शन के कॉस्ट में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड कर दिया, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस करना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज 3,59,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जो फिनिश गुड्स है वो है 3,09,000 आई गेस। जी हाँ, ये आएगा मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एनीवन गॉट द आंसर फॉर कॉस्ट ऑफ सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 84 लाख कुछ आंसर आ रहा है, 84,46,000। 80 गलत है, 84 लाख, 8,44,6। आप चेक करो, आंसर गलत दे रहे हो कुछ लोग। एटी फोर लाख फोर्टी सिक्स थाउजेंड ओके, बराबर 84,46,000। ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड कर दिया जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, कितना है आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 10,34,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिया है क्या? यस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 7,50,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स, मोहित जी ये नवंबर 21 का ही बैच है, नवंबर 21,
अच्छा फाउंडेशन के लिए, फाउंडेशन के लिए ये आपको वी स्मार्ट एकेडमी में चेक करना पड़ेगा। यस फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना बताया आप लोगों ने? 1,02,30,000। इसमें हम लोगों ने प्रॉफिट ऐड कर दिया। और आएगा हमारा सेल्स। सेल्स दिया हुआ है उन्होंने, कितना है सेल्स, कहाँ गया सेल्स? 1,34,00,000 का सेल्स है। ओके प्रॉफिट बताइएगा कितना है? 31,70,000 प्रॉफिट है। या 31,70,000 का आपका प्रॉफिट बन रहा है, परफेक्ट है। चलिए जल्दी कंप्लीट कीजिएगा, देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बात कर रहे हो, फैक्ट्री एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होता है क्या? ये किधर मैंने बोला था कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट है? अरे फैक्ट्री एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड्स रहता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जब तक बोला नहीं तब तक नहीं लिखना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जब तक बोला नहीं तब तक नहीं लिखना है आपको। और एक्सपेंसेस सिर्फ डायरेक्ट थोड़ी होता है, एक्सपेंसेस डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो। फैक्ट्री एक्सपेंसेस ये फैक्ट्री ओवरहेड से है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस किधर लिखा है? चलिए सो डोंट एज्यूम एनीथिंग, जब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको दिया रहता है तो कुछ एज्यूम आपको नहीं करना है। आई गेस कंप्लीटेड एवरीवन। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइएगा, मार्क इंपॉर्टेंट रिवीजन बिफोर एग्जाम। जी हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 11 को आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, रिवीजन बिफोर एग्जाम। बड़ा क्वेश्चन है, काफी सारे एडजस्टमेंट है, देखते हैं कितना लोग सॉल्व कर पाते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ अर्नव मेटालिक लिमिटेड कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक मिनट, क्या कैलकुलेट करना है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पूरा नहीं, आगे नहीं जाना है, सेल वगैरह नहीं करना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सिर्फ प्रोडक्शन की कॉस्ट आपको चाहिए। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फॉर प्लांट एंड मशीनरी। चलिएगा जल्दी बताइएगा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट, ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कहां पे कंसीडर करूं? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी क्या है? फटाक से आंसर देते रहिएगा। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट ऑफ मशीनरी डायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, क्या है? ओके ये फैक्ट्री ओवरहेड्स है। ओके तो यानी जब आप ये सपोज प्राइम कॉस्ट के बाद एड अंडरलाइन करके आप चलेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर इन्वेंट्री, बोलो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर इन्वेंट्री। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर इन्वेंट्री, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ये क्या है? क्या ये भी फैक्ट्री ओवरहेड आएगा? यस, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर इन्वेंट्री, मटेरियल रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वगैरह उसका आपने इंश्योरेंस निकाला है तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में कंसिडर होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, ये भी कहां पे आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा। ठीक है, समझ रहा है। इसके बाद है आपका रॉ मटेरियल परचेस है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, वेजेस पेड है।
वैल्यू ऑफ ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस है, देखिएगा यहां पे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट दे हैव गिवन, यहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट दे हैव गिवन, एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रिलेटेड टू द फैक्ट्री दिया है एंड अदर दिया है. एंड फ्रेंड्स वी नीड टू प्रिपेयर अप टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नीचे वाला एक भी आइटम हमें कंसिडर नहीं करना है. राइट फ्रेंड्स, तो ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, फैक्ट्री रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है एंड अदर्स, अदर यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है. अब उसका क्या करना आपको पता है, अमाउंट रियलाइज बाय सेलिंग स्क्रैप. अब तो गलती मत करना पिछले क्वेश्चन जैसा, अब तो गलती मत करना पिछले क्वेश्चन जैसा, अगेज गलती मत करना बॉस. अमाउंट रियलाइज बाय सेलिंग स्क्रैप जनरेटेड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, स्क्रैप जनरेट हुआ है मैन्युफैक्चरिंग. जी हां, पैकिंग कॉस्ट नेसेसरी टू प्रिजर्व द गुड्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. चलो आंसर दो, ये प्राइमरी पैकिंग है या सेकेंडरी पैकिंग है या स्पेशल पैकिंग है, फटाक से आंसर दीजिएगा. पैकिंग कॉस्ट नेसेसरी टू प्रिजर्व द गुड्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ये प्राइमरी पैकिंग है या ये स्पेशल पैकिंग है, जल्दी आंसर चाहिए मुझे. क्या ये प्राइमरी पैकिंग है या सेकेंडरी? यस, जी हाँ ये प्राइमरी पैकिंग है. एग्जैक्टली एग्जैक्टली चैंप लोग, सैलरी पेड टू टेक्निकल डायरेक्टर, ठीक है. अच्छा, सैलरी पेड टू द डायरेक्टर, ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, और टेक्निकल डायरेक्टर सब जगह पे काम देखता है, ये जनरल कंसीडर करना आप. सैलरी पेड टू टेक्निकल डायरेक्टर, डायरेक्टर कहां पे बैठता है, डायरेक्टर का केबिन कहां पे रहता है, ऑफिस में रहता है, ठीक है. और ये सारे डिपार्टमेंट पे ध्यान देता है, प्रोडक्शन के साथ साथ सेलिंग वगैरह सब कुछ ये जनरल रहता है. तो ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आप कंसिडर करेंगे, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आप कंसिडर करेंगे, ठीक है ना. चलिएगा सॉल्व करो. ये भी रिवीजन टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है, और मैंने आपको बोल दिया कि ये फैक्ट्री ओवरहेड के काफी सारे आइटम दिए, तो वो इनर कॉलम में लिख देना कि रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, इंश्योरेंस है, एक और इंश्योरेंस है, फिर आपको वो टोटल ले लेना आउटर कॉलम में. अगेस नाउ लेट सी कितना लोग सॉल्व कर पाते हैं. अगेस मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं, खुद से सॉल्व कीजिएगा. पांच मिनट का टाइमर स्टार्ट किया है, खुद से सॉल्व कीजिएगा, देखते हैं कितना लोग सॉल्व कर पाते हैं. I'll wait for your answer. मैंने एक हिंट आपको ऑलरेडी दे दिया, सैलरी ऑफ वो जो टेक्निकल डायरेक्टर रहता है, डायरेक्टर ऑफिस में बैठेगा, पूरा वो सारे डिपार्टमेंट को देखता है, तो इट इज नॉट प्रोडक्शन ओनली रिलेटेड, वो सब रिलेटेड है. अरे कौन है ये रजनी जी, इतने जल्दी आंसर कैसे आ गया, एक मिनट में पहले ही सॉल्व किया आपने शायद, ऐसा मत कीजिएगा. पता नहीं आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है, मैं ये बाद में बताऊंगा. प्रॉपर प्रेजेंटेशन कीजिएगा सो दैट हमें अभी पता चलना चाहिए ना कितने मिनट में आप सॉल्व कर पा रहे हो. चलो जल्दी वर्कआउट कीजिएगा.
प्रॉपरली प्रेजेंटेशन कीजिएगा। चलेगा, आंसर देते रहिएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 1 करोड़ 5 लाख 48, 1 करोड़ 5 लाख 48 थाउजेंड। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यस, करेक्ट है, करेक्ट है फ्रेंड। स्टैंप लोग, आपका आंसर एकदम करेक्ट है जी। राहुल माहेश्वरी जी, जितने भी आंसर आपने दिए है, 1 करोड़ 5 लाख 48 थाउजेंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। और मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, ये आरटीपी का क्वेश्चन है, नवंबर 2018 के आरटीपी का क्वेश्चन है। नवंबर 2018 आरटीपी का ये क्वेश्चन था। देखिए, आप ही देखिए, एक भी इनकरेक्ट आंसर नहीं आया, सब लोग वही आंसर दे रहे, 1 करोड़ 5 लाख 48 थाउजेंड। आई होप आप लोग यानी आंसर कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हो, नहीं तो एक ने दे दिया आंसर वही सब लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है। चलिए, प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हेडिंग दीजिएगा स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मटेरियल कंज्यूम्ड। जी हाँ, चलेगा। मटेरियल कंज्यूम फटाक से, ओपनिंग स्टॉक, एड परचेसेस, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 2,88,000, परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल 64 लाख,
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 4,46,000। आउटर कॉलम में कंजम्पशन आ गया, कितना आ गया कंजम्पशन आपका? चलिए जल्दी 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 आंसर देते रहिएगा, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आज और सॉल्व करने हैं, तो आप मुझे थोड़ा हेल्प कीजिएगा, फटाफट से आंसर देते रहिएगा। जी हाँ, कितना आया आपका आंसर? 62 लाख, 62,42,000। ठीक है, 62,42,000 में ऐड कर दिया मैंने डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस कितना है? 23,20,000, 23,20,000। ठीक है, ये आ गया मेरा प्राइम कॉस्ट, फटाक से आंसर दीजिएगा, प्राइम कॉस्ट कितना है? प्राइम कॉस्ट बताइएगा कितना है? 85,62,000। ओके, 85,62,000 का प्राइम कॉस्ट है। नेक्स्ट वन, ऐड कर दिया फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में काफ़ी सारे आइटम्स थे, वो एक एक आइटम कंसिडर करते हैं, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ओके सर, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है 9,8,500, इनर कॉलम में लिखा मैंने 9,80,500। इसके बाद नेक्स्ट में लिख रहा हूँ इंश्योरेंस फॉर इन्वेंट्री 26,000, इसके बाद था इंश्योरेंस फॉर प्लांट एंड मशीनरी 96,000, इतना ही था आई गेस। फैक्ट्री ओवरहेड्स आउटर कॉलम में कितना लिखूं बताइएगा? 11,02,000। आउटर कॉलम में बताइएगा कितना लिखूं? 11,02,500। ओके, इलेवन लाख टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड, परफेक्ट फ्रेंड्स। फैक्ट्री ओवरहेड के बाद ये आ गया मेरा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, कोई मुझे बताएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितना है? एनीवन गॉट द आंसर? 96,64,500 इज योर आंसर, फटैक्स है। इसके बाद ऐड कर दिया ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, लेस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 4,06,000, 4,06,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस अगर आप देखेंगे तो वो 6,02,100। तो ये आ गया मेरा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। चैंप लोग बता दीजिएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितना आया? चैंप लोग जल्दी से बताइएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितना आया? नाइन्टी फोर सिक्सटी एट फोर हंड्रेड। ओके चलेगा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद वो अब सारे एडजस्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, जी हाँ क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट है। कितना है क्वेश्चन? क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट दे हैव गिवन 86,000, ठीक है, सपोज ये मैंने ओके आउटर कॉलम में लिखा तो भी कोई इशू नहीं, 86,000 आउटर कॉलम में लिखा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट दिया है क्या? ओके, R&D कॉस्ट दिया हुआ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट कितना है? तो वो है 92,600, ठीक है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, रिलेटेड टू द फैक्ट्री दिया है इन्होंने, एडमिनिस्ट्रेशन ओवर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन फैक्ट्री 9,00,000 रुपीज दिया है, जनरल कंसिडर नहीं करेंगे। ओके मालिक, इसमें से लेस सेल ऑफ क्या दिया है? स्क्रैप रिकवरी क्या दिया है? सेल ऑफ रिकवरी
अमाउंट रियलाइज बाय सेलिंग स्क्रैप, ठीक है, सेल ऑफ स्क्रैप। आई होप आप लोगों ने वो यहाँ पे कंसीडर किया है, पिछले क्वेश्चन जैसा गलती आपने नहीं किया है। सेल ऑफ स्क्रैप कितना है, 9200। उसके बाद आपने एकदम बराबर से आइडेंटिफाई किया था प्राइमरी पैकिंग, जी सर आपने बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई किया था प्राइमरी पैकिंग, पैकिंग था आपका 10200। एनन व्हाट द आंसर फॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एनन गॉट द आंसर फॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 1 करोड़ 5 लाख कुछ बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वन करोड़ 5,48,000, जी हाँ आप लोगों ने मैक्सिमम 100% स्टूडेंट ने यही आंसर दिया था। लेकिन आपको पता है मैं अगर पेपर चेक कर रहूंगा तो आपको यहां पे अगर आपने ये आंसर दे दिया तो आई विल गिव यू 9 मार्क्स। अगर मैं पेपर चेक करूं तो मैं आपको कितने मार्क्स दूंगा, 9 मार्क्स दूंगा चैंप लोग। अब आप ही मुझे बता दीजिएगा मैंने आपका कहां पे मार्क्स कट कर दिया, अब आप ही बता दीजिएगा मैं आपका कहां पे मार्क्स कट करूंगा। भले ही आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है, भले ही सजेस्टेड आंसर 1,05,48,000 और आपका आंसर एब्सोल्युटली मैच हो रहा है और आपने अच्छे से प्रेजेंटेशन किया है, फिर भी मैं आपका 1 मार्क कट कर दूंगा। वो आप मुझे बताइएगा मैं क्यों कट करूंगा। अगर यहां तक ही आप रुक गए तो मैं आपका 1 मार्क कट करने वाला हूं, रीजन बता दीजिएगा उसका क्या है। जी रीजन नहीं, कुछ लोग बोल रहे सीओजीएस एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए, अरे पूछा ही नहीं है और आगे का इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेल और प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया है। वो नहीं, वर्किंग नोट लिखना पड़ेगा। हाँ बराबर है, वर्किंग नोट लिखना पड़ेगा। कौन सा वर्किंग नोट लिखना पड़ेगा, कौन सा वर्किंग नोट लिखना पड़ेगा, जी हाँ एब्सोल्युटली करेक्ट, जी हाँ एब्सोल्युटली करेक्ट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ऐड करते हैं, और सैलरी पेड टू टेक्निकल डायरेक्टर, ये आइटम हमने कंसीडर नहीं किया ना, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, ये हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद कंसीडर करते हैं। तो फ्रेंड्स बी स्पेसिफिक, 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स ये, तो ये नोट आपको लिखना पड़ेगा, लिखो। वेरी गुड फ्रेंड्स, यस राइट डाउन वर्किंग नोट या फिर नोट, अदर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, अदर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, जल्दी लिखिएगा फ्रेंड्स, अदर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एंड सैलरी पेड टू टेक्निकल डायरेक्टर, सैलरी पेड टू टेक्निकल डायरेक्टर, सैलरी पेड टू टेक्निकल डायरेक्टर आर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, आर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, आर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, हेंस हेंस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, विल नॉट बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, विल नॉट बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो मेरे जैसा पेपर चेकर आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स देगा, अदरवाइज भले ही आपका आंसर करेक्ट है 9 मार्क्स में दूंगा, 1 मार्क ये नोट का आपका कट करवा लूंगा, ठीक है। तो बी स्पेसिफिक फ्रेंड्स, ठीक है, परफेक्ट मालिक। अब फ्रेंड्स मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं इमीजिएटली, ये जो लाइव लेक्चर है इसमें मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं, एक एग्जाम का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। 12 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आप खुद से सॉल्व करेंगे। लेट्स रीड दैट क्वेश्चन नंबर 12, आर यू रेडी फ्रेंड्स, और प्लीज टाइमर लगाएंगे फ्रेंड्स, टाइमर लगाएंगे।
ठीक है, टाइमर लगा रहा हूं, पढ़ने से लेके सॉल्व करने तक कितना टाइम लगता है। एंड प्लीज भले आप रफ में सॉल्व कर रहे हो, भले ही आप रफ में सॉल्व कर रहे हो, तो बॉस आप मुझे पूरा आंसर दीजिएगा, यानी अच्छे से प्रेजेंटेशन करके मुझे पूरा आंसर दीजिएगा। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, या फिर सर बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये एब्सोल्युटली एग्जाम का क्वेश्चन है, देखते हैं कितना लोग सॉल्व कर पाते हैं। मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया है। चलेगा, स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन पढ़ना। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक, परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल, परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल। नेक्स्ट है आपका फ्रेट इनवर्ड, नेक्स्ट है आपका फ्रेट इनवर्ड, डायरेक्ट वेजेस पेड, डायरेक्ट वेजेस पेड एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो हम लोग बहुत सालों से करते आ रहे हैं। डायरेक्ट वेजेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, क्या करना है मुझे मत बोलना, ये हमें पता है आउटस्टैंडिंग वेजेस का क्या करना है और प्रीपेड वेजेस का क्या करना है, ये मैं नहीं बताऊंगा, आपका टेस्ट है। देन फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड दिया है, वर्किंग प्रोग्रेस ओपनिंग दिया है, वर्किंग प्रोग्रेस क्लोजिंग दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, लेकिन मैंने आपको बोला था एग्जाम में बोलते हैं प्रोडक्शन रिलेटेड है या जनरल है, तो ये प्रोडक्शन रिलेटेड है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, ठीक है ना। फिनिश स्टॉक ओपनिंग, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1217 यूनिट से, और इसकी अमाउंट दे दी गई है। सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल, गलती मत करना, वन टाइट स्लैप मिलेगा, स्लैप, अगर यहां पे अगर आपने गलती कर दी तो वन टाइट स्लैप मिलेगा, खुद को मार लेना आप। सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल, दिस इज नॉट सेल ऑफ स्क्रैप, दिस इज सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल, ठीक है। अगर गलती किया तो खुद से मार लेना खुद को, 10 मार्क्स का एग्जाम क्वेश्चन है। फर्म प्रोड्यूस्ड 14,000 यूनिट्स, बॉस प्रोडक्शन दे दिया 14,000, ओके। फिनिश गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर इज वैल्यूड एट प्रोडक्शन कॉस्ट, पता है हमें प्रोडक्शन कॉस्ट पे वैल्यू होता है। कंपनी ने 14,153 यूनिट्स बेच दिए, ओके। ओपनिंग स्टॉक दिया था, आपने प्रोडक्शन किया 14,000, इसमें से बेचा है आपने 14,153, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा ये आप देख लेना बॉस, मैं नहीं बताऊंगा, ओके। प्राइस दिया 618 पर यूनिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रिपेयर कॉस्ट शीट ऑफ द फर्म, आपका टाइम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले वर्किंग नोट दे देना क्लोजिंग स्टॉक का, सबसे पहले वर्किंग नोट दे देना क्लोजिंग स्टॉक का, और अच्छे से प्रेजेंट करना, अच्छे से प्रेजेंट करना, हमें यह चेक करना है 10 मार्क्स का क्वेश्चन आप कितने मिनट में सॉल्व कर पा रहे हो और करेक्ट सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। फटाफट से आप आंसर मुझे देना है और प्रेजेंटेशन मुझे व्हाट्सएप करना है। जो लोग लाइव लेक्चर देख रहे हैं, बस वही लोग, जो लोग लाइव देख रहे हैं, मुझे ये जो आपके आंसर है, प्रेजेंटेशन है, वर्किंग नोट है, ये मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आई चेक दैट। सिर्फ लाइव बैच के स्टूडेंट करना, जो बाद में देख रहे हैं ठीक है, उनके पास ऑलरेडी आंसर आ जाएगा, प्रेजेंटेशन उनको पता चल जाएगा, तो वो नहीं करेंगे। टाइम स्टार्ट हो गया है एंड मैं बता दूं आपको ऑलरेडी 3 मिनट हो गया है पढ़ने में, रिलैक्स होइएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा अच्छे से। सबसे पहला वर्किंग नोट आएगा आपका प्रोडक्शन और क्लोजिंग स्टॉक वगैरह कितना है, वो पहला वर्किंग नोट आप दे दीजिएगा। अच्छे से हेडिंग देना, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट, या फिर सिर्फ कॉस्ट शीट वर्ड यूज किया तो भी चलेगा। वेजेस का एडजस्टमेंट बराबर से करना बॉस, वेजेस का एडजस्टमेंट। अब मैं बिल्कुल आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप आंसर दे रहे हो।
मुझे आप फाइनल आंसर दे दीजिएगा डायरेक्टली। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कुछ स्टूडेंट ने आंसर दिया है 67,75,200। जी हाँ करेक्ट है, लेकिन फाइनल आंसर दीजिएगा। यहाँ तक अगर आपका करेक्ट है तो आपको ऑलमोस्ट 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छे से प्रेजेंटेशन करना और मुझे उसका फोटो आप भेज सकते हो। शुभम जी, आप आपका प्रॉफिट एक बार चेक कीजिएगा, शायद आपने टाइप करते वक्त कुछ गलत टाइप किया है क्या, एक बार चेक करो। दुर्गा जी आप कैसे बात कर रहे हो, 14,000 प्रोड्यूस किया, 14,153 कैसे बेचेंगे। अरे ओपनिंग स्टॉक तो है ना 12,17, 12,17 का ओपनिंग स्टॉक है ना, फीफो मेथड फॉलो होता है। अरे फीफो मेथड फॉलो होता है, पहले ओपनिंग स्टॉक बेचा जाएगा फिर करंट प्रोडक्शन का जाएगा ना, तो है ना अपने पास 12,17, तो ये कैसे डाउट है। रितेश कुमार जी इन्होंने आंसर दे दिया है। इसके बाद विधि जी इन्होंने आंसर दे दिया है, और मैं बताना चाहता हूँ आपने ये 11 मिनट में सॉल्व किया, 18 मिनट ये नॉर्मल मैक्सिमम टाइम है, 18 मिनट्स। लेकिन अब तक मैंने ये नहीं बताया कि करेक्ट कौन सा आंसर है, करेक्ट है इनकरेक्ट है वॉट एवर, ये अब तक मैंने नहीं बताया है, वो हम लोग देखेंगे आगे। अभी तक तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ अब रिसीव्ड वन व्हाट्सएप, राहुल जी इन्होंने आंसर दिया है। राहुल जी अभी भी आप रफ नोटबुक यूज़ कर रहे हो, फेयर नोटबुक यूज़ करो ठीक है। राहुल जी जो आपने वर्किंग नोट दिया है वो वर्किंग नोट आपने पेज के ऊपर लिखा है, नीचे लिखिएगा प्रॉपर प्रेजेंटेशन, स्केल यूज़ कीजिएगा। आपका आंसर भले ही बराबर है, लेट्स चेक मी, लेट मी चेक ठीक है, लेकिन
आपने जो आंसर भेजा है वहाँ पे जो लास्ट लाइन है, एक बार वो देखो अमाउंट पढ़ते आ रहा है क्या। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन और अच्छे से करो। राहुल जी आपका आंसर बराबर है, राहुल जी आपका आंसर बराबर है, लेकिन प्रेजेंटेशन और थोड़ा मुझे प्रॉपर चाहिए। स्केल वगैरह यूज़ करो अभी। वर्किंग नोट प्रॉपरली लिखो राहुल जी, बाकी आपका आंसर एकदम करेक्ट करेक्ट है। अच्छा ओके ओके आई एम सॉरी, बराबर है। वेरी गुड, ये अशोक जी। बराबर आंसर, बहुत अच्छा। मुक्ता जी, ओके मुक्ता जी आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया है। जी हाँ, इसके बाद एक और आंसर मेरे सामने है। भावेश जी प्रेजेंटेशन किया है, लाइन स्केल वगैरह बराबर से यूज़ करो। चलेगा, लास्ट कुछ आंसर चेक कर रहा हूँ। वर्किंग नोट अच्छा दिया हुआ है, कॉस्ट शीट भी अच्छे से प्रिपेयर किया है। ओके, ये अभी कौन है, नाम भी भेजते जाइएगा। चेतन जी, चेतन जी का आंसर बराबर है, परफेक्ट प्रेजेंटेशन किया है। राहुल जी गुप्ता, बहुत ही परफेक्ट प्रेजेंटेशन किया है, गुड। वर्किंग नोट देख लीजिएगा, चलेगा बस अभी। आई होप मैक्सिमम ऑफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके इज ओके इज चलेगा फ्रेंड्स, चेक करते हैं आपका आंसर। एवरीवन नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट, क्लास के बाद मैं चेक कर लूंगा। अभी भी कुछ स्टूडेंट आंसर भेज रहे हैं, काफी सारे मुझे व्हाट्सएप आ रहा है। क्लास के बाद मैं ऑब्वियसली आपका ये चेक कर लूंगा। अच्छा, टाइम कितना लगा, अभी भी 16 मिनट हुआ है, यानी आपने कुछ 2-3 मिनट पहले ही सॉल्व किया हुआ है, तो अभी भी 16 मिनट्स हुआ है। और मैंने कैलकुलेशन बता दिया था कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन मैक्सिमम 18 मिनट्स में होना चाहिए, और आप कुछ 14, 15, 13 मिनट्स में मैक्सिमम स्टूडेंट का सॉल्व हो रहा है। एवरेज देखा गया तो 13, 14 मिनट्स में सॉल्व हो रहा है, फिर भी आप कुछ टाइम सेव करेंगे। चलेगा ओके अब, और अगर कुछ स्टूडेंट के आंसर्स है वो मैं अभी बाद में चेक करूंगा और आपको रिप्लाई कर दूंगा। डोंट वरी, क्लास के बाद मैं चेक करूंगा। और एक क्वेश्चन हमें आगे सॉल्व करना है, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। मटेरियल अब मुझे आंसर देते रहेगा। अभी भी आप सॉल्व कर सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि अभी भी 1 मिनट बाकी है, स्टिल 1 मिनट लेफ्ट, तो अभी भी आप ट्राई कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। और आपका जैसे आंसर आ जाएगा मुझे बता देना। ओके, मटेरियल सबसे पहले तो वी आर गोइंग टू कंसीडर ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल इज 2,28,000, एड परचेसेस। जी हाँ, परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल 42,25, 42,25,000, ठीक है, परफेक्ट। इसके बाद आएगा आपका परचेसेस के बाद फ्रेट इनवर्ड, ऐड कर दिया इसमें।
फ्रेट इनवर्ड था आपका 1 लाख रुपीज का, राइट। लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, जी हाँ, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है, 3,05,000, ठीक है। मटेरियल कंज्यूम कितना आया बताइएगा, मटेरियल कंज्यूम कितना आएगा बताइएगा। लॉ का लेक्चर नहीं है ना, पहले ही सर ने आपको इन्फॉर्म किया था, फटाक से आंसर दीजिएगा, मटेरियल कंज्यूम्ड कितना आया। एनीवन गॉट द आंसर, मटेरियल कंज्यूम्ड, सेल ऑफ स्क्रैप भी है, ओके ले लेता हूं, क्या है सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल, शाबाश, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल, तोड़ मालिक, बराबर किया ना अभी, वर्ड मटेरियल यूज किया है, मटेरियल यूज किया यानी ऊपर, सिर्फ सेल ऑफ स्क्रैप रहेगा तो नीचे है, आगे सो वो आएगा आपका 8,000, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, देख रहा था कितने लोगों का ध्यान है, मटेरियल स्क्रैप कंसीडर कर लिया। चलो आंसर दो कितना लिखो आगे, अब तो बता दो ना कितना आंसर लिखूं, ₹42,40,000, ओके आर यू श्योर, 42,40,000, ओके 42,40,000 के बाद वेजेस, वेजेस में एडजस्टमेंट है, एक है आपका पेड, ऐड करेंगे उसमें आउटस्टैंडिंग, एक है आपका पेड, एक है आपका आउटस्टैंडिंग, ठीक है। वेजेस पेड कितना है, 12,56,000, 12,56,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस भी है, वेजेस आउटस्टैंडिंग 1,50,000, कितना लू रहे आउटर कॉलम में वेजेस, कितना 14 लाख कितना आ रहा है आउटर कॉलम में बताइएगा, कितना लिखो, 14,06,000, चलेगा 14,06,000, ये था आपका वेजेस आउटस्टैंडिंग, परफेक्ट। इसके बाद आपने क्या किया रहेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो नहीं है, सो डायरेक्टली यू हैव कंसीडर द प्राइम कॉस्ट, हाउ मच इज योर प्राइम कॉस्ट, चलो आंसर दीजिएगा, प्राइम कॉस्ट कितना आया, 56 लाख आ रहा है ये, 56,46,000 आई गेस, जी हाँ 56,46,000 शायद आपका आंसर है, चेक करते रहिएगा आंसर देते रहिएगा। ओके, इसके बाद प्राइम कॉस्ट में हम लोग ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, हाउ मच इज योर फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड इज 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट आया आपका 56,46,000, जल्दी से आप आंसर दीजिएगा, फैक्ट्री ओवरहेड कितना आया, जी हाँ फैक्ट्री ओवरहेड का टोटल कितना लूं, 20%, 11,29,000, 200, ओके ठीक है, ये आ गया आपका फैक्ट्री ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दिया, ये आ गया आपका ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, चैंप लोग आंसर दो, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट है आपका कितना है, 67 लाख, 67 लाख कितना, 67,75,200, ओके 67,75,200, परफेक्ट ले लिया, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड कर दिया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस 190 to 500, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस 147,00, जल्दी से आंसर देना, नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितना आया, चल मी नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ रहा है, 67,75,200, ओके 67,75,200 नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ रहा है, चलिए नेट फैक्ट्री कॉस्ट में काफी सारे एडजस्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू द प्रोडक्शन है,
एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू द प्रोडक्शन दिया हुआ था 1,73,000, 1,73,000, राइट, बराबर है ना। इसके बाद आएगा आपका प्रोडक्शन कॉस्ट, एनियन गॉट द आंसर फॉर प्रोडक्शन कॉस्ट, कुछ लोग बोल रहे हैं नेट फैक्ट्री कॉस्ट इज, नेट फैक्ट्री कॉस्ट 68,27,000 है, इज इट सो, 68,27,000 है, चलो मैं ही कर लेता हूँ कैलकुलेशन, आई डू द कैलकुलेशन, ठीक है, चेक कर लेते हैं ना फ्रेंड्स क्या प्रॉब्लम है उसमें। 67,75,200 प्लस 1,92,500 माइनस 1,40,700, 68,27,000, ठीक है, प्लस 1,73,000, 70 लाख, 70 लैक्स। अच्छा ग्रॉस का अमाउंट रिपीट किया मैं, कुछ स्टूडेंट का आंसर कॉपी कर रहा था, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट 70 लाख है, अब तो बराबर है बॉस, एक बार चेक कीजिएगा वेदर प्रोडक्शन कॉस्ट इज 70 लैक्स, प्रोडक्शन कॉस्ट आपका 70 लैक्स, परफेक्ट है, चलिएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड कर दिया ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, हाउ मच इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जल्दी से बताइएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1,217 यूनिट्स, 1,217 यूनिट्स मल्टीप्लाई किया, कितने यूनिट से मल्टीप्लाई किया, अच्छा डायरेक्ट अमाउंट दिया 6,08,500, 6,08,500, चलिएगा डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, वेरी गुड। माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है, पहले तो आप ये बताइएगा यूनिट्स कितने हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के यूनिट्स बताइएगा ना, आपने वो एडजस्टमेंट किया रहेगा, ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है प्लस आपका प्रोडक्शन दिया हुआ था माइनस सेल्स इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने हैं, 1,064, ठीक है, 1,064 यूनिट्स है, डिवाइडेड बाय आपने टोटल 14,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्शन की कॉस्ट, प्रोडक्शन की कॉस्ट है आपकी 70 लाख, चलो जल्दी से आप आंसर दे दीजिएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का आंसर कितना है, फाइनल क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का आंसर 5,32,000, ऑलरेडी दे दिया है कुछ लोगों ने, 5,32,000, ये एडजस्टमेंट सबसे पहले आपने दिया रहेगा, ओपनिंग स्टॉक एड प्रोडक्शन माइनस सेल्स इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, तो 5,32,000 आपका आंसर आ गया है, ये आ गया आपका COGS, बता दीजिएगा COGS कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 70,76,000, 70,76,500 यह आपका आ गया COGS, ऐड कर दिया इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ऐड कर दिया इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया है 16 रुपीज पर यूनिट, सो 16 रुपीज पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आर 14,153, 14,153, गेस कितना आया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितना आया बॉस, टेल मी क्विकली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितना आया, 226,448,
आर यू श्योर? 226,448, ओके, 226,448 आ गया, ये बन गया मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स. बताइए कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आया? चल मी, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है? सेवेंटी थ्री लैख टू थाउजेंड 948, ओके, 948. तो इसके बाद आएगा आपका, ऐड कर दिया आप लोगों ने प्रॉफिट, और फाइनली आपका जो आंसर बनेगा वो आएगा सेल्स. सेल्स कितना है टोटल? कहाँ दिया है? 14153, 14153 यूनिट्स बेचा आपने, मल्टीप्लाई बाय नंबर, सेलिंग प्राइस इज 618. तो टोटल सेल्स कितना है? 87,40,000. टोटल सेल्स कितना है? प्रॉफिट बता रहे, प्रॉफिट तो लिख लेता हूं, 14,43,606, 14,43,606. और जो आपका सेल्स आ रहा है वो आ रहा है 87,46,554. अरे कितने लोगों ने बराबर सॉल्व किया है? आप में से वो कितने लोग हैं जिन्होंने ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व किया है, एंड तक करेक्ट आया है, ऐसे कितने लोग हैं? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिएगा, कितने लोगों का आंसर करेक्ट आया है, मुझे ये चेक करना है. 10 आउट ऑफ 10 कितने लोगों को मिल गया है? मलय जी इनको मिला है, शुभम, रितेश, प्रनीता जी, टीटी इंडस्ट्रीज, आपने भी 10 मार्क्स ले लिए, युक्ता जी ने भी 10 मार्क्स ले लिए, हर्षा, शुभम मुंद्रा, मुक्ता जी, दुर्गा जी, बिंदु जी, विधि जी, वेरी गुड, राघव जी, प्रनीता जी, राहुल माहेश्वरी जी, ज्ञानेश्वर जी, इन्होंने भी करेक्ट किया है, वेरी गुड. सो आप देख रहे हो फ्रेंड्स कि कितने लोग आराम से ये सॉल्व कर पा रहे हो. और ये तो कोई मैंने क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया था, ये तो क्वेश्चन मैंने फ्रेम नहीं किया था, एग्जाम का क्वेश्चन है. कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे सर ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि आप देखो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है मई 2018 का. फारूक जी ने सॉल्व किया है, कनिका जी ने सॉल्व किया है, रजनी जी का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, कोई इशू नहीं है. तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मोर देन 50% स्टूडेंट ये करेक्ट, 50% भी नहीं, उससे ज्यादा ही स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर लाया था. एग्जाम क्वेश्चन है बॉस, आप ही कमेंट चेक कर लो कितने स्टूडेंट ने ये करेक्ट आंसर लाया है. और मैंने तो कुछ भी सॉल्व नहीं किया था, पूरा आपको सॉल्व करने के लिए दिया, भले ही थोड़ा ज्यादा टाइम लिया मैंने, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए, लेकिन आपका कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा कि आप सोच रहे हो अभी तो कॉस्टिंग के कुछ हमने प्रैक्टिस भी नहीं किया, स्टार्ट ही है, फिर भी हम लोग एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे कॉस्ट शीट के, ठीक है, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस फॉर श्योर. नंबर ऑलरेडी ऊपर दिया है सर, ठीक है. सो फ्रेंड्स थक गए क्या रे? स्क्रैप का फिगर मिस हो गया, ऐसे कैसे मिस हो गया? स्क्रैप का फिगर क्यों मिस करवा दिया आपने? नहीं फ्रेंड्स, तो देखो किसी का अगर ऐसे मिसिंग वगैरह हो रहा है ना, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट, तो एक काम करते रहिएगा ना फ्रेंड, एक आइटम कंसीडर किया आपने, ठीक है, तो अगर सिली मिस्टेक हो रहा है, मिस कुछ हो रहा है, तो मैं आपको उसका एक सॉल्यूशन बता रहा हूं करना क्या एग्जाम में. जो जो आइटम आपने कंसिडर किया उसको टिक मार्क कर दो, जो जो आइटम आपने कंसिडर किया टिक मार्क कर दो, और जब आपका क्वेश्चन बीच बीच में देखते रहने का कि भाई कौन सा आइटम अपना स्किप हो गया है, तो प्लीज ये टेक्निक आप यूज करो, जो हो गया उसको टिक करते रहो, जो लिख लिया आपने टिक करते रहो. अकाउंट्स में भी यही टेक्निक आप फॉलो करते हो, सेम टेक्निक आपने यहां पे फॉलो करना चाहिए. आगे कुछ लोग थक गए सर, अभी नहीं बस. आज तो लॉ का लेक्चर नहीं है दर्शन सर का, बराबर ना, हम तो एक्सटेंड कर ही सकते हैं आराम से.
क्या करें सर, एक और एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करें या नहीं करें? नवंबर 2018 10 मार्क्स न्यू सिलेबस का ये क्वेश्चन था, नवंबर 2018 10 मार्क्स का ये एग्जाम का क्वेश्चन था। अब एक मुझे डाउट आया है सर, 1064 यूनिट कहां से आया? ठीक है, 1064 यूनिट्स कहां से आया? अरे मैंने बोला ना वो एडजस्टमेंट करो आप, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वो दिया था आपको 1217, एड आपने प्रोडक्शन कितना किया, एड आपने प्रोडक्शन किया है 14,000, लेस किया आपने सेल का क्वांटिटी, क्लोजिंग स्टॉक लाना है हमें, सेल कितना किया तो 14,153। देयरफोर आपका जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है वो आ गया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1064 आई गेस। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया था, उसका वर्किंग नोट आपको देना है। चलेगा, आई होप 1064 समझ गया है जिन्होंने ये क्वेरी पूछा था। ओके, ये वर्किंग नोट आपने दिया रहेगा बॉस, वर्किंग नोट आपने दिया। कुछ लोग बोले सर थक गए, 13 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, एग्जाम का क्वेश्चन है, होमवर्क दे दो। ठीक है, चलेगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 आपको होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 13 आपको होमवर्क है। ठीक है, जैसा आप बोलेंगे वैसा करता है, समझ में आ रहा है, लेक्चर्स अच्छा लग रहा है, लाइक करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, सो दैट मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को भी, राइट फ्रेंड्स? सो अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो शेयर करते रहिएगा आपके फ्रेंड के साथ, लाइक करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा बिल्कुल, और कमेंट करते रहिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, अगर आपको कुछ डाउट है, क्वेरी है, आप पूछ ही सकते हो बिल्कुल। अगले साल मिलेंगे अभी डायरेक्टली, अगले साल मिलेंगे अभी डायरेक्टली, राइट फ्रेंड्स? सो फ्रेंड्स एडवांस में आपको हैप्पी न्यू ईयर। कल आपको लेक्चर नहीं है क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट 31 का पार्टी करेंगे, सादे वाला पार्टी करना, तोड़ मालिक वो तोड़ घूमने वाला पार्टी मत करना। एंड टेक केयर, कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अब तो नया कोरोना आ गया है, टीका आने से पहले नया कोरोना आ गया है। ठीक है, सो फ्रेंड्स एवरीवन टू यू हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, अगले साल में आप पास होने वाले हो, ठीक है, जनवरी फरवरी में जब भी आपका रिजल्ट लगेगा फाउंडेशन का, आप पास होने वाले हो। एंड जब आपका नवंबर अटेम्प्ट आएगा उसमें भी आप सी इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स से विथ फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, सो ये मैं प्रे करता हूं। एंड जी हाँ, एक क्वेश्चन जो आपको होमवर्क दिया है, प्लीज आप उतना होमवर्क कर लीजिएगा। ठीक है, टेक केयर एवरीवन, एवरीवन प्लीज टेक केयर, राइट? कुछ क्वेरी है तो आई विल एंटरटेन दैट। रिवाइज करते रहिएगा जी सर जी, रिवाइज करते रहिएगा। और कल आपको लेक्चर नहीं है, डायरेक्टली हम लोग 2 जनवरी को मिल रहे हैं, 2 जनवरी मॉर्निंग 8 o'clock आपका लेक्चर रहेगा, राइट फ्रेंड्स? 2 जनवरी मॉर्निंग 8 o'clock आपका लेक्चर रहेगा। अगर कुछ क्वेरी है तो आई विल वेट। जी हाँ, प्लीज आप क्वेरी बताइएगा, अगर कुछ क्वेरी है आप लोगों का तो प्लीज टेल मी।
अरे टीटी इंडस्ट्री, आप क्वेरी पूछ रहे थे, जल्दी पूछिए ना, एक क्वेरी है तो बताइए जल्दी। जिनको क्वेरी नहीं है आप एंजॉय कीजिएगा। अकाउंट की क्लास है या नहीं है, आई एग्जैक्टली डोंट नो। आपको सर ने कुछ बताया रहेगा तो एग्जैक्टली आई डोंट नो। अगर रहेगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय सर से बात नहीं हुआ था मेरा, उनका लेक्चर है या नहीं है। लॉ का सर ने पहले ही बता दिया था लेक्चर नहीं है, दैट्स व्हाई। यस रहेगा, अकाउंट्स का क्लास रहेगा। आई डोंट नो एग्जैक्टली कि अकाउंट्स का है या नहीं है, सर आपको बता देंगे। आप कॉस्टिंग के बारे में अगर कुछ डाउट क्वेरी रहेगा तो पूछिएगा जल्दी से, अदरवाइज आई विल साइन आउट। फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय, सी यू। नहीं है शायद क्वेरी, और अगर फिर भी क्वेरी है तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अच्छा क्वेरी यही है कि कोई क्वेरी ही नहीं है, वेरी गुड। टीटी इंडस्ट्री, आपने तो करेक्ट आंसर लाया 10 मार्क का, राइट फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।